नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो कोविड 19 ने जिस तरह की तबाही पूरे विश्व में मचाई थी, ये किसी से छुपी बात नहीं है। इसको लेकर अमेरिका बेहद ज़्यादा सतर्क हमेशा रहा है, और अभी जो ताज़ा खबर हमारे सामने आ रही है, उसको लेकर अमेरिका ने अपनी बूस्टर डोज 65 साल से ऊपर लोगों को देना शुरू कर दिया है। साथ ही हेल्थ वर्कर को भी ये बूस्टर की डोज देना शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि अभी WHO इस पर फैसला लेगा। लगातार बात चल रही है कि अगर दो डोज पूरी होने के बाद बूस्टर डोज कोरोना की दे दी जाती है तो खतरा और भी ज़्यादा कोरोना का ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी इस पर फैसला WHO ने नहीं सुनाया है, जो कि हो सकता है इस हफ्ते तक आ जाए। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने एहतियात के तौर पर अपने यहाँ इसे अप्लाई कर दिया है। चलिए विस्तार से पूरी खबर बताते हैं कि क्यों अमेरिका ने इसको अप्लाई किया और अप्लाई करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखी हैं। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हर खबर का अपडेट हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ बूस्टर शॉट को लेकर छिड़ी बहस के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए इसकी अनुमति दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 65 की उम्र पार कर चुके या फिर अस्पताल में तैनात 54 से 65 वर्ष के लोगों को यह बूस्टर डोज दी जाएगी। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए हामी भर दी है। गुरुवार रात को CDC निदेशक डॉक्टर रोशेल वॉलेस्की ने बताया कि कोरोना को लेकर सलाहकारों के एक पैनल ने कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए बूस्टर की डोज मंजूरी दी है। बता दें, अमेरिकी पैनल ने बूस्टर शॉट की मंजूरी सिर्फ उन लोगों को लिए दी है जो 6 महीने पहले वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। माना जा रहा है कि वैक्सीन के तीसरे डोज से इम्यूनिटी अच्छी होगी, जिससे कोरोना के खिलाफ वे बेहतर तरीके से जंग लड़ सकते हैं। बूस्टर डोज के लिए सिर्फ 65 साल से ऊपर के लोग ही मान्य हैं। फिर डोज लेने वाले को हेल्थ वर्कर होने चाहिए, लेकिन पैनल के सामने 18 से 64 वर्ष के हेल्थ वर्करों को भी बूस्टर डोज देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे पैनल ने अभी खारिज कर दिया। हालांकि CDC निदेशक डॉक्टर रोशेल वॉलेस्की ने दोबारा पैनल के सामने यह प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक पैनल इस पर फैसला ले सकता है। बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अभी तक तीसरी डोज को लेकर कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई। इसके बावजूद दुनिया के कुछ देश बूस्टर डोज की अनुमति दे चुके हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि बिना इजाज़त मुंबई के कुछ अस्पतालों में नेताओं और डॉक्टर ने भी बूस्टर डोज लगवाया था।